Press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो रॉकस्टार्स, कैसे हैं आप लोग? और मैं आपका एजुकेटर अभिजीत मिश्रा आपके साथ, और आज हम बड़े ही इंटरेस्टिंग सीरीज़ पर बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं अवार्ड और ऑनर पे जो इस साल बांटे गए। तो आइए शुरू करते हैं हमारा सेशन। कैसा हमारा सेशन होने वाला है? क्वेश्चंस आएंगे और आपको जल्दी जल्दी आंसर करना है। हमारे पास नियर अबाउट 60 अवार्ड्स हैं आज, अलग अलग, और आपको ये पढ़ना है। आप मेरे पीछे स्क्रीन देख पा रहे हैं, कल नितिन सर नाराज़ हो गए थे, उनकी पिक मैंने ढक ली थी। तो देखो एक बार नितिन सर को देख लो भैया, अपने अपने सब लोग। हाँ, नितिन सर भी यहाँ पीछे दिख रहे हैं। ठीक, चलिए तो शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। और पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर आ रहा है, और पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। कंप्यूटर जी पहला क्वेश्चन लगाएं और बच्चों को इसका क्वेश्चन का आंसर देने दे। बिल्कुल नया क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नेम्ड पेटा इंडियाज पर्सन ऑफ द ईयर फॉर 2018 फॉर हर एनिमल एडवोकेसी एफर्ट। तो मतलब क्या बोला गया है कि किसे अपने पशु समर्थन प्रयासों के लिए 2018 पेटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? आपको उसका आंसर देना है। क्या इसके आंसर होने वाले? सब यहाँ पे आ जाएं, सब लोग यहाँ पे आ चुके हैं, और शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। चलिए शुरू करते हैं, और आंसर क्या होगा? आंसर सोनम कपूर। सोनम कपूर इज राइट आंसर, आप लोग दे पा रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अपने सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे जो ये आपके स्क्रीन पर। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्रीज हैज मेड इट टू बी द ऑस्कर शॉर्ट लिस्ट इन द डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी इन 2018। दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा, विलेज रॉक स्टार्स बाहर हो गई है ऑस्कर से, तो ये भी ध्यान दीजिएगा, और आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। क्या इसका आंसर होगा? हमारे पास दूसरा क्वेश्चन आ चुका है, सही आंसर क्या होगा? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर टू पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस। पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस। जो भी बच्चे मेरा करंट अफेयर शो फॉलो करते हैं, ये सारे क्वेश्चन मैं करा चुका हूं पहले भी आपके लिए। ठीक है, चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ेंगे और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे जो ये आपके सामने। हु अमंग द फॉलोइंग विल रिसीव द यहाँ पे सेसिल बी डिमिल अवार्ड 2018 एट द 76th एनुअल गोल्डन ग्लोब अवार्ड। तो 76वें वार्षिक गोल्डन ग्लोब अवार्ड में इसमें से किसे सेसिल बी डिमिल का पुरस्कार दिया गया, ये आपसे पूछा गया है, और हमारे पास पांच ऑप्शन है, और राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर टू जेफ ब्रिज इज राइट आंसर, जो आप यहां पर देख पा रहे हैं। बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। मधु जी, जीडी कांस्टेबल की डेट अभी नहीं आई है, आप मान के चलिए फेब मार्च, आप मान के चलिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज चूजन एज द फर्स्ट विनर ऑफ द वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन कोच ऑफ द ईयर अवार्ड। तो अगर हम बात करते हैं महिला टेनिस एसोसिएशन कोच ऑफ द ईयर पुरस्कार के पहले विजेता के रूप में किसे चुना गया, ये आपको बताना है, और सही आंसर क्या होने वाला है, आप देख पा रहे हैं यहां पर। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर वन। तो देख लें यहां पर आपके सामने आंसर आ चुके हैं, एंड द आंसर इज सच्चा बाजिन, ऑप्शन नंबर 5 इज राइट आंसर, जो आप यहां पे देख पा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, गलत हो गया कोई बात नहीं, मोरल डाउन नहीं करना है, बहुत सारे क्वेश्चन अभी हैं और आपको अपना पोटेंशियल दिखाने को मिलेगा आगे। ठीक, चलिए, विच स्टेट हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द कृषि कर्मण अवार्ड 2018। तो कृषि कर्मण पुरस्कार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट भी है, किस राज्य का चयन किया गया ये आपको बताना है, और आपके सामने यहाँ पर पांच ऑप्शन है, सही आंसर क्या होगा। तो कृषि कर्मण अवार्ड जो मिला है वो किस स्टेट को मिला है, ये मिला है ऑप्शन नंबर 4 झारखंड को। झारखंड इज राइट आंसर, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, बिल्कुल सही, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने यहाँ पे आ चुका है।
who has been honored with the Gyanpith Award 2018 for outstanding contribution towards literature. तो साहित्य के प्रति उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे ज्ञानपीठ अवार्ड 2018 से सम्मानित किया गया, ये आपसे पूछा गया है। हमारे पास पांच ऑप्शन है। सही आंसर क्या होगा? रस्किन बॉन्ड तो नहीं होंगे, ऑप्शन नंबर फाइव तो नहीं होगा, हमें बताएं। तो सही आंसर क्या होगा, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर थ्री, अमिताभ घोष। अमिताभ घोष इज राइट आंसर, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। चलिए सही है, बढ़िया, वेरी गुड, फैंटास्टिक, जय माता दी, रॉक्स। आगे बढ़ेंगे और अपने क्वेश्चन सेवन की बात करेंगे, जो है आपके स्क्रीन पर। Which sports person became the first Indian table tennis player to be decorated with the Breakthrough Table Tennis Star Award 2018? ये आपसे पूछा गया है, इसका आंसर क्या होगा? तो किस प्लेयर को ब्रेकथ्रू टेबल टेनिस स्टार पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी बन गई हैं, ये आपको बताना है। सानिया मिर्जा टेबल टेनिस नहीं खेलती हैं, तो इसमें थोड़ा दिमाग लगाने वाली बात है आपकी, ठीक है। क्या इसका आंसर होगा, देख लीजिए यहाँ पे पांच ऑप्शन हमारे पास है, पहला और पांचवा खत्म हो चुका है, यानी तीन में सही आंसर होगा। और हमारा आंसर क्या है, मनिका बत्रा, ऑप्शन नंबर थ्री इज राइट आंसर, जो आप यहाँ पे दे रहे हैं, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर एट की बात करेंगे। Who amongst these was conferred with the Sahitya Academy Award for his novel? इनके नॉवल का नाम क्या था? मरो। तो ज्ञानपीठ अवार्ड और देख लीजिए यहां पर साहित्य अकेडमी अवार्ड, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो क्या इसका आंसर होगा, ये आपको बताना है। And the right answer is option number three, श्याम सुंदर बेसरा। तो श्याम सुंदर बेसरा इस राइट आंसर, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। सबको हेलो भैया, सबको हाय, सब लोग टाइम पर आया करिए। और अभी हम लोग आगे बात करेंगे, नेक्स्ट मंडे हम बात करने वाले हैं स्पोर्ट्स के एमसीक्यूज की, आपको वहां भी आना है और धमाल मचाना है। 5 o'clock का सीरीज मत छोड़िए, आपको बहुत फायदा मिलेगा आपके सारे एग्जाम्स में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन की बात करेंगे। Who has been selected for the Best Woman Parliamentarian Award Raj Sabha 2018? तो सर्वश्रेष्ठ महिला सांसद पुरस्कार राज्यसभा के लिए किसको चुना गया, ये आपको बताना है। यहाँ पे पांच ऑप्शन हमारे पास हैं और सही आंसर हमारा क्या होने वाला है। We have five option. And the right answer is option number two, DMK की जो member of parliament हैं कनी मोजी जी, जो कि ए राजा की वाइफ भी थी और करुणा निधि जी की लड़की भी हैं, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर आपको मिल गया, आप दे भी रहे हैं, बिल्कुल आप दे रहे हैं आंसर। हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 10 की, आपके सामने यहाँ पे देखिए। Which of the following ministries has been conferred the Scotch Award for National Significance 2018? तो निम्नलिखित मंत्रालयों में से किसे राष्ट्रीय महत्व के लिए 2018 का स्कॉच अवार्ड प्रदान किया गया, ये आपसे पूछा गया है। तो ये भी हम करा चुके हैं अपने करंट अफेयर्स में और आपको इसका आंसर देना है। क्या इसका आंसर होगा, एंड द आंसर इज राइट नंबर थ्री, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी को ये अवार्ड मिला है, आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who won the Ballon d'Or 2018 for women's football player? तो महिला फुटबॉल खिलाड़ियों के लिए Ballon d'Or 2018 किसने जीता, ये आपसे पूछा गया। हमारे पास पांच ऑप्शन है, सही आंसर क्या होगा। मैंने फीमेल की बात की, मुझे मालूम है कि मेल का आंसर आप दे देंगे, फीमेल आपको याद शायद ना हो तो इसीलिए क्वेश्चन यहां पर है और सही आंसर क्या होने वाला है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर, एडा हेजरबर्ग। तो ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं आप लोग, ये जो एनर्जी है इसे संभाल के रखिए, ये एनर्जी हमेशा आपके अंदर होनी चाहिए, यहां पर भी और जब आप प्रिपरेशन करें तो, ठीक है। एनर्जी हमेशा आपके अंदर होनी चाहिए और पॉजिटिव एनर्जी, वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे, जो आपके सामने आंसर क्वेश्चन है। Who amongst these have won the Innovative Young Biotechnologist Award 2018? इनमें से किसे अभिनव युवा जैव प्रौद्योगिकी विद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? We have five option. और आपको सही आंसर देना है। मेरे ख्याल से अभी तक जितने क्वेश्चन हुए हैं मैक्सिमम लोगों का सही आंसर होगा। जो भाई लोग ऑफलाइन में देख रहे हैं वो जरूर अपने मार्क्स मेरे साथ शेयर किया करें, और जो लाइव देख रहे हैं तो वीडियो कंप्लीट होने के बाद अपने मार्क्स मेरे साथ शेयर कर दिया करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा, रजनीश गिरी। आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर वन इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे, जो आपके सामने यहां पे आ चुका है। देखिए तो हु वाज कन्फर्ड विद द ब्लू क्रॉस बाय द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। तो किसे इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा ब्लू क्रॉस से सम्मानित किया गया था, आपको यह बताना है। वी हैव फाइव ऑप्शन एंड यू विल हैव टू चूज राइट आंसर। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर थ्री, अभिनव बिंद्रा इज राइट आंसर, जो आप यहां पे देख पा रहे हैं। यहां बड़े ईमानदार बच्चे भी हैं जो बोल दे रहे हैं कि आई एम लेट या नहीं पता या स्किप, बहुत बढ़िया, आप सब बहुत अच्छे बच्चे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। देखिए तो विच फिल्म हैज वॉन द गोल्डन पिकॉक अवार्ड एट द 49th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जो कि गोवा में हुआ था। तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में गोल्डन पिकॉक अवार्ड किसको मिला है, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं कई बार और आपको इसका आंसर देना है, क्या इसका आंसर होगा। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर, डॉनबास, जो ईरान की मूवी थी। डॉनबास इज राइट आंसर, आई थिंक हाँ, यूक्रेन की मूवी थी। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे, जो आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है। देखिए
Who among the following will be conferred with the prestigious Bharat Ratna Pandit Bhimsen Joshi Lifetime Achievement Award 2018 for Classical Music? तो शास्त्रीय संगीत के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये आपसे पूछा गया है। जिनका जो भी नए हैं क्लास में उनका मोस्ट वेलकम है, आप सब रॉकस्टार्स की कैटेगरी में आ चुके हैं, यहां पर आए और धमाल मचाएं। आंसर क्या होगा? आंसर इज पंडित केशव गिंडे। पंडित केशव गिंडे इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर जो आप देख पा रहे हैं। हाँ, यूक्रेन मैं बोल दिया, मैंने सही कर लिया यार। चलो आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे जो आपके सामने यहां पे आ चुका। देखिए, हु विल बी कन्फर्ड, तो यहां पर शेवलियर डी लॉ रीजन डी ऑनर अवार्ड की बात हो रही है, तो किसको ये अवार्ड दिया गया, ये आपसे पूछा गया है, क्या इसका आंसर होना चाहिए। देख लीजिए, ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, इसका सही आंसर क्या होगा। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, अजीम प्रेम जी इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपके सामने। How many movies from India have been nominated by the IFFI for the 2018 International Council for Film, Television and Audiovisual Communication UNESCO Gandhi Medal? तो International Film Festival of India ने कितने movies को UNESCO Gandhi Medal के लिए nominate किया, ये आपसे पूछा गया है, और इसका answer क्या होगा? इसका answer होगा option number 1, 2। तो दो मूवी को नॉमिनेट किया गया है, ये दो मूवी कौन सी हैं? कभी एक सेशन में यहाँ पे डाल दूंगा, क्योंकि ये थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा ये मेडल क्या है इसके बारे में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे जो आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। देखिए यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज वॉन इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिजार्मामेंट एंड डेवलपमेंट? तो किस संगठन ने शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए 2018 का इंदिरा गांधी पुरस्कार जीता है, ये आपसे पूछा गया, आपको इसका आंसर देना, क्या इसका आंसर है। चले कोई बात नहीं, स्किप मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब स्किप कर दीजिए अगर नहीं आता है तो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड ऑप्शन नंबर 1, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट। तो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट CSE को ये अवार्ड मिला है, ये भी हम लोग करंट अफेयर्स में किए हुए अपने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अपने क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे जो आपके सामने यहां पे आ चुका है। देखिए यहां पे, हु विल बी ऑनर्ड विद द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन अवार्ड 2018? तो किसे इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वी हैव 5 ऑप्शन और यू विल हैव टू चूज राइट वन, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, नंदिता दास इज राइट आंसर जो आप यहां पे देख पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो आपके सामने यहां पे आ चुका है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following has won the NASI Scopus Young Scientist Award 2018 in Environmentally Sound Sustainable Development Category? तो ये अवार्ड के बारे में आपसे पूछा गया है और आपको सही आंसर चूज करना है, सही आंसर क्या होगा। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, विमल चंद्र श्रीवास्तव इज राइट आंसर जो आप यहां पे देख पा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। एक बार समझिएगा, जब भी मैं आपको पहले से टॉपिक बताता हूं तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आप कुछ ना कुछ रिवीजन करके आएंगे, याद रखिएगा। तो मैंने आपको मंडे का टॉपिक बताया हुआ है, स्पोर्ट्स पर हम बात करने वाले गाइस, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, इन विच कैटेगरी समय गोदिका वॉन द 2018 ब्रेक थ्रू जूनियर चैलेंज प्राइज? तो किस कैटेगरी में समय गोदिका ने ब्रेक थ्रू जूनियर चैलेंज पुरस्कार जीता, ये आपसे पूछा गया है, और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा लाइफ साइंसेस इज राइट आंसर जो आप यहां पे देख पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हमारा क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने। Who amongst these was honored as a distinguished fellow by India Global, a leading think tank that works on issue concerning non-resident Indian? तो आपसे बोला गया कि अनिवासी भारतीयों के मुद्दे पर कार्य करने वाले एक प्रमुख थिंक टैंक इंडिया ग्लोबल द्वारा प्रतिष्ठित फेलो के रूप में किसे सम्मानित किया गया है, इसका आंसर क्या होगा, ये आपको बताना है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, अनुपम खेर इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एनर्जी कहीं से डाउन नहीं होनी चाहिए, मेरे अंदर नहीं है, आपके अंदर भी नहीं होनी चाहिए। देखिए, Who amongst these has been chosen for the prestigious Raja Ram Mohan Roy Award? तो राजा राम मोहन रॉय पुरस्कार किसको चुना गया, जो कि काफी अपने आप में प्रतिष्ठित पुरस्कार है, ये आपको बताना है। 5 ऑप्शन हमारे पास हैं और सही आंसर क्या होना चाहिए। एंड राइट आंसर इज एनराम इज राइट आंसर जो आप यहां पे देख पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हाँ, मार्क्स को देखते रहो अपने, ठीक है। चलो, 24 क्वेश्चन। Who has been selected for the Kerala government's highest literary award? इस अवार्ड का नाम है एजुथ चान पुरस्कारम फॉर 2018। तो केरल सरकार ने उच्चतम साहित्यिक पुरस्कार एजुथ चान पुरस्कार के लिए किसको चुना है, तो अब देख लीजिए क्या इसका आंसर होना चाहिए। 5 ऑप्शन हमारे पास हैं। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर एन, एम मुकुंदन इज राइट आंसर जो आप यहां पे देख पा रहे हैं। एम मुकुंदन इज राइट आंसर, ठीक है। गाइस आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने।
Who has received the Roy M. Huffington Award for 2018 in the US? तो US में 2018 का Roy M. Huffington Award किसने प्राप्त किया, ये आपसे पूछा गया है. आपके सामने पांच ऑप्शन हैं और सही आंसर क्या होने वाला है. And the right answer is option number 4, both 1 and B. तो विजय गोरदिया एंड मारी गोरदिया, तो ये हस्बैंड वाइफ भी हैं, तो इनको ये अवार्ड दिया गया है. चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे. क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने. Which of the following companies received the Top Challenger Award 2018? तो किस कंपनी को Top Challengers Award 2018 मिला है, ये आपको बताना है. यहाँ पर हमारे सामने पांच ऑप्शन है, सही आंसर क्या होने वाला है. And the right answer is option number 5, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड. तो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड इज राइट आंसर, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं. सबके आंसर लगभग सही आ रहे हैं, ठीक है, अच्छा है, अच्छी बात है. चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर 27 की बात करेंगे, जो आपके सामने यहाँ पर आ चुका है. देखिए, Who won the 2018 JCB Prize for Literature for his book? Book का नाम है Jasmine Days. तो अपनी पुस्तक Jasmine Days के लिए 2018 साहित्य के लिए JCB पुरस्कार किसने जीता, ये आपको बताना है. यहाँ पर कमेंट्स तो आ रहे हैं, बढ़िया, सही आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड. चलिए और आंसर देना आपको इस क्वेश्चन का, और इस क्वेश्चन का सही आंसर है, यहाँ पे देखें तो बेन्यामिन जो है पहला ऑप्शन, ये सही आंसर है. ठीक है. चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब लेंगे. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, Who received the Lal Bahadur Shastri National Award for Excellence in Public Administration for the year 2018? तो लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार किसने प्राप्त किया, ये आपको बताना है. We have five options and you have to choose right one. और सही आंसर क्या होगा ये आप देखिए, तो right answer is option number 4. तो Phyllis S. Nariman is right answer, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर. चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने, हु हैज वॉन द वर्ल्ड हेल्थ समिट स्टार्टअप अवार्ड 2018? तो वर्ल्ड हेल्थ समिट स्टार्टअप पुरस्कार किसने जीता, ये आपको बताना है, क्या इसका सही आंसर होगा. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, रूपम शर्मा इज राइट आंसर. ठीक है, कुछ याद आ रहा है, हम लोगों ने अपने मॉक में सब किया हुआ है जब IBPS PO की बात कर रहे थे. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, 30th क्वेश्चन की बात करेंगे. Whom among the following has won the UN Human Rights Prize for the year 2018? तो 2018 के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार पुरस्कार किसने जीता, ये आपसे पूछा गया है. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, और इसका सही आंसर क्या होने वाला है. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, इनका नाम देख लीजिए, जोइनिया वापिचाना इज राइट आंसर. ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं. चलिए, मनीष हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं, बोलते हैं प्लीज लाइक द वीडियो, तो लाइक कर दे. वैसे आप सब लोग हमें सपोर्ट करते हैं और लाइक तो बनता है मेरे ख्याल से. चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने, Who has been awarded the Seoul Peace Prize 2018? तो सियोल शांति पुरस्कार 2018 किसको मिला, ये आपसे पूछा गया. ये और कोई नहीं है, ये हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी हैं, और इनका आंसर क्या है, नरेंद्र मोदी जी इज राइट आंसर. चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, 32 क्वेश्चन, Who has won the prestigious wildlife photographer of the year 2018 title? तो 2018 का प्रतिष्ठित वन्य जीव फोटोग्राफर पुरस्कार किसने जीता, ये आपसे पूछा गया है. हमारे पास पांच ऑप्शन है, सही आंसर क्या होने वाला है. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर वन, मार्शल वैन ओस्टन. ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर, जो आप यहां पे देख पा रहे हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया. आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे. हमारा 33rd क्वेश्चन, Who has won the Man Booker Prize for the novel Milkman? तो Milkman novel के लिए किसको Man Booker Prize मिला? It is also very important question. थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पे, अगर आपको नहीं पता आंसर तो. And the right answer is option number 4, Anna Burns is right answer. Option number 4 is right answer. आप देख पा रहे हैं. चलिए आगे बढ़ते हुए next question की बात करते हैं आपके सामने. 34 question आपके सामने देखिए. तो who has been named for 2018 हृदयनाथ अवार्ड फॉर लाइफटाइम अचीवमेंट? तो हृदयनाथ पुरस्कार किसको मिला है लाइफटाइम अचीवमेंट के कैटेगरी में, ये आपको बताना है, क्या इसका आंसर होगा. एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, इनका नाम है मोहम्मद जहूर खय्याम हाशमी. तो आप इसे आराम से याद कर लेंगे, इनका नाम बहुत बड़ा है, तो इनका दिल भी बहुत बड़ा होगा, और दिल का मतलब हृदयनाथ पुरस्कार. तो कहानी बनाएंगे तो सारी चीजें अपने आप याद हो जाएंगी. चलिए आगे बढ़ते हुए 35 क्वेश्चन की बात करेंगे, जो आपके सामने यहां पर है. तो लिलिमा मिंच फ्रॉम ओडिशा हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस एकलव्य पुरस्कार 2018. शी इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? तो लिलिमा मिंच का नाम आपको बताया गया है, ये ओडिशा से बिलोंग करती हैं, और ये क्या है, इन्हें एकलव्य पुरस्कार मिला है, तो ये किस स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं, ये आपसे पूछा गया है. और इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, हॉकी. तो हॉकी इज राइट आंसर, एकलव्य पुरस्कार मिला, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है. आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे.
आराम से आराम आराम है कहा गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 36 क्वेश्चन, हु हैज वॉन द फीफा बेस्ट मेल प्लेयर अवार्ड फॉर द 2018। बहुत सिंपल क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको यहाँ पर, और आप सबको इसका आंसर पता है। जिनको नहीं पता है तो मतलब उन्हें स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं लगता है। तो पांच ऑप्शन हमारे सामने है, हमको पता है क्या इसका आंसर होने वाला है, एंड द राइट आंसर इज लुका मॉड्रिक, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए सिंपल क्वेश्चन था, आपको याद हो गया होगा जिन बच्चों ने पहले नहीं सुना था, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, 37 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ये देखिए, हु हैज रिसीव्ड द स्मिता पाटिल अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर। ये भी मैं आपको करा चुका हूं जब मैं मंथ 100 एमसीक्यूज की बात कर रहा था, ठीक है। तो स्मिता पाटिल पुरस्कार किसने प्राप्त किया, ये आपको बताना है, सही आंसर क्या होने वाला है, एंड द राइट आंसर इज, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, अनुष्का शर्मा, अनुष्का शर्मा इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 38 क्वेश्चन, विच ऑफ दीज फिल्म वॉन द टोरेंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑडियंस प्राइज। टोरेंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑडियंस पुरस्कार किसने जीता, ये आपसे पूछा गया। हमारे पास पांच ऑप्शन है, सही आंसर क्या हो सकता है, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, ग्रीन बुक। ग्रीन बुक इज राइट आंसर। अमन प्रताप सिंह बोल रहे हैं कि कितने जल्दी में है, देखो जल्दी में नहीं है, ये सारे क्वेश्चन देखो, आगे बढ़ो, आंसर करो, हमारे पास वैसे भी टाइम नहीं है। कल ही कैनरा बैंक का एग्जाम है, उसके बाद फिर हमें मैथ पढ़ना है, हमें रीजनिंग पढ़नी है, बहुत कुछ पढ़ना है बेटा, तो बस स्पीड बनाए रखो, मैं तो यही बोलूंगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 39 क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, हु हैज बीन कन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस यूएन इंटरएजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड 2018। तो किसको प्रतिष्ठित यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, और सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है, एंड द राइट आंसर इज, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, मनोज झलानी। मनोज झलानी इज राइट आंसर, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। शांतनु बोल रहे हैं मजा आ रहा है, चलिए मजा आना बहुत जरूरी होता है किसी भी चीज़ में, मतलब पढ़ाई की बात करें तो। मैथ में मजा नहीं आएगा तो हमारे मार्क्स कम आएंगे, रीजनिंग में मजा नहीं आएगा तो हमारे मार्क्स कम आएंगे, और मजा तभी आता है जब हम कॉम्पिटिशन करते हैं। जो भी चीज़ हमें टफ लगती है ना, फॉर एग्जाम्पल मुझे इंग्लिश टफ लगती थी, मैं गाँव से बिलोंग करता हूँ, तो सबसे पहले इंग्लिश पर ही मेहनत मैंने की। मुझे ऐसा लगता है कि आपको जिससे डर लगे ना, आप पहले उस पर मेहनत करो, अगर वो चीज़ आ गई तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अप चला जाएगा, आप करके देखिए एक बार, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 40th क्वेश्चन आपके सामने, हु विल बी ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस सरला पुरस्कार फॉर हिज पोएट्री कलेक्शन मिश्रा ध्रुपद। तो किसको मिश्रा ध्रुपद के लिए एक सरला पुरस्कार मिला है, ये आपको बताना है, क्या इसका आंसर होगा। कोई बात नहीं रॉन्ग, कोई बात नहीं दिलीप जी, आप कर देंगे। अच्छा, कॉमन मैन भी यहाँ पे आ चुके हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। तो चलिए आइए और मुझे इसका आंसर दे, क्या इसका आंसर होगा, यहाँ पर हम देख रहे हैं, एंड द राइट आंसर इज, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 5, इनका नाम क्या है, इनका नाम है शत्रुघ्न पांडव। शत्रुघ्न पांडव इज राइट आंसर, जो आप यहाँ पर देख चुके। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 41 क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, हु हैज बीन नेम्ड एज द प्रेस्टिजियस डॉक्टर बीसी रॉय नेशनल अवार्ड 2018। डॉक्टर बीसी रॉय राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है, ये आपको बताना है, सही आंसर क्या होने वाला है, एंड द राइट आंसर इज, गाइस राइट आंसर इज, सही आंसर क्या है, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा। डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा इज राइट आंसर, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल बढ़िया, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 42nd क्वेश्चन, गोपाल गांधी हैज बीन कन्फर्ड विथ विच अवार्ड। तो गोपाल गांधी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब देखो हमारे शाम के खासियत क्या है, अब आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कॉमन मिलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमने 100 एमसीक्यूज भी किए हुए हैं, तो जब कॉमन की संख्या बढ़ती चली जाए तो आप सही ट्रैक पर हैं, ये आप समझ जाएं। और ये कल हम कर चुके हैं क्वेश्चन, सही आंसर क्या है, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, सद्भावना अवार्ड। तो इनको सद्भावना अवार्ड मिला है, ये आपसे आपको बताया, आपको पता भी होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 43 क्वेश्चन आपके सामने, चलिए, हु हैज बीन अवार्डेड द यूनाइटेड स्टेट लीजन ऑफ मेरिट। तो यूएस के लीजन ऑफ मेरिट से किसको सम्मानित किया गया है, ये आपसे पूछा गया है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और आपको याद भी होगा। सही आंसर क्या होने वाला है, राइट आंसर क्या होने वाला है, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, जनरल दलबीर सिंह सुहाग। जनरल दलबीर सिंह सुहाग इज राइट आंसर, जो आप यहां पर देख पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन 44 आपके सामने, Who was awarded the Shalaka Samman for his contribution to the world of films and poetry in 2018? और Shalaka Samman के बारे में अभी शायद हमने कल ही बात की, क्या इसका आंसर होगा, सबको याद होगा, मुझे पता है, तो मैं टाइम कम लूंगा। आंसर इज जावेद अख्तर। जावेद अख्तर इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, सरला सम्मान और Shalaka Samman में कंफ्यूज मत होना, नाम सेम लग रहे हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 की बात करेंगे, जो आपके सामने यहाँ पर है। चलिए, विच इंडियन ऑस्ट्रेलियन मैथमेटिशियन हैज बीन अवार्डेड द प्रेस्टिजियस फील्ड मेडल 2018। बड़े खेत के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि कल ये मैं करा चुका हूँ और आपको इसका आंसर ही पता होगा, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, अक्षय वेंकटेश। अक्षय वेंकटेश इज राइट आंसर, जो आप ये देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखिए,
Which movie won the best film in the third BRICS Film Festival 2018 held in Durban? तो BRICS Film Festival में best movie का award किसे मिला ये आपसे पूछा गया। यहाँ पर हमारे सामने पांच option है, सही answer क्या होगा? And the right answer is option number 5, Newton. Newton अच्छी movie है, मैंने भी देखी है, Newton सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पर next question की, and our next question is 47 question. Which Indian shuttler has lifted the Russia Open Badminton Trophy 2018 at Vladivostok? तो Vladivostok में किस Indian shuttler ने Russian Open Badminton Trophy जीती? ये आपसे पूछा गया और आपको इसका answer देना है, क्या इसका answer है? तो यहाँ पर देख लीजिए पांच option हैं और ये question important भी है. And the right answer is option number 4, Saurabh Verma. Saurabh Verma is right answer जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं और next question की बात करते हैं. 48 question. So which of the following award has been won by the Bharat Vatwani and Sonam Wangchuk in 2018? So Bharat Vatwani and Sonam Wangchuk ne kaun sa puraskar jeeta ye aapse pucha gaya. Ye ise hum Asia ka Nobel bhi bolte hain. Aur sahi answer kya hone wala hai? And the right answer is option number 3, Ramon Magsaysay Award. Ramon Magsaysay Award is right answer जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, option number 3 is right answer. Guys आगे बढ़ेंगे और question number 49 की बात करेंगे जो आपके सामने यहाँ पे screen पर है. देखिए तो which non-banking finance company received NABARD 2018 award? तो NABARD 2018 पुरस्कार किस non-banking financial company को मिला है? ये question आपके RRB ALP stage 1 में आ चुका है, ठीक, और answer क्या होगा इसका? And the right answer is option number 4, Repco Microfinance Limited. Repco Microfinance Limited is right answer. जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही है. आगे बढ़ते हैं और next question की बात करते हैं आपके सामने. Who among the following has have won the 2018 World Food Prize? तो इन तीन में से दो लोगों को World Food Prize Award मिला. अब आपको ये तय करना है कि इन तीनों में से दो कौन है जिन्हें World Food Prize मिला है 2018 का. आपके सामने ये important question है और इसका answer क्या होगा ये आपको देखना है, बताना है answer. And the right answer is option number 3, only 1 and 3. मतलब कि Lawrence Haddad और David Naboro. तो David Naboro is right answer जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सही question है, बढ़िया question है, answer आपको यहाँ मिल गया. नाम याद रखिएगा, भूलेगा नहीं, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. Question number 51 आपके सामने यहाँ पर देखिए. तो who has been awarded the Football Writers Association Footballer of the Year 2018? Who has been awarded the Footballer Writers Association Footballer of the Year 2018? तो हमारे सामने पांच option है, सही answer क्या होगा? और इसमें भी जो सही answer है वो क्या है? इसका सही आंसर है इजिप्ट के ये फुटबॉलर हैं, इनका नाम क्या है? मोहम्मद सलाह. मोहम्मद सलाह इज राइट आंसर जो आप यहां पे देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहां पर देख लीजिए 52 क्वेश्चन. हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द ओएनवी लिटरेरी अवार्ड इंस्टीट्यूटेड बाय द ओएनवी कल्चरल एकेडमी? तो ओएनवी कल्चरल एकेडमी द्वारा स्थापित ओएनवी साहित्यिक पुरस्कार के लिए किसका चयन किया गया है? हमारे सामने पांच ऑप्शन है, सही आंसर क्या होगा? एंड द राइट आंसर इज न नेमार न मेसी. गलत आंसर दे रहे आप लोग. और इसका इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका आंसर है एमटी वासुदेवन नायर. M.T. Vasudevan Nair is right answer जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं. very good guys. चलिए आगे बढ़ेंगे और question number 53 की बात करेंगे जो आपके सामने यहाँ पे आ चुका है. देखिए तो who has been awarded the best actors award at the 65th National Film Award 2018 ceremony? तो 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में किसको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रीदेवी को मिला था मॉम मूवी के लिए. अभिनेता का आपसे पूछा गया है, नगर कीर्तन मूवी थी, बंगला मूवी थी, और आंसर क्या होगा? रिद्धि सेन. रिद्धि सेन इज राइट आंसर जो आप यहां पे देख पा रहे हैं. चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे. 54 क्वेश्चन आपके सामने. The 2018 Women Economic Forum Excellent Women of Excellence Award has been conferred upon. तो महिला आर्थिक मंच 2018 का उत्कृष्ट महिला उत्कृष्टता पुरस्कार किसको दिया गया ये आपसे पूछा गया है और हमारे पास पांच ऑप्शन है और सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है निशा बल्ला. निशा बल्ला इज राइट आंसर, आप देख लिए. चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो आपके स्क्रीन पर देखिए. Who was the winner of the 2018 KISS Humanitarian Award? तो KISS मानवतावादी पुरस्कार के विजेता कौन थे ये आपसे पूछा गया है. हमारे पास पांच ऑप्शन है, सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है जल्दी से. अरे अमन प्रताप सिंह बिल्कुल मैं आपकी सुन रहा हूँ, सारे बच्चों की मैं सुन रहा हूँ, सब सही आंसर देना, सब रॉकस्टार्स हैं यहाँ पे. और राइट आंसर क्या होगा, सही आंसर क्या होगा? प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश. मोहम्मद यूनुस इज राइट आंसर जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं. चलिए 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 आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे. यहाँ पे देख लीजिए. Who has been conferred the Swar Mauli Award for 2018? तो 2018 का Swar Mauli पुरस्कार किसको दिया गया ये आपसे पूछा गया और आपको इसका आंसर देना है, क्या इसका आंसर है? जल्दी से क्वेश्चन को देखिए, क्या इसका आंसर होने वाला है? एंड द राइट आंसर Swar Mauli कौन है भाई? सिंपल सी बात है, लता मंगेशकर, उसके अलावा कौन होगा, है ना? चलिए
आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 57 आपके सामने यहाँ पर, हु इज द विनर ऑफ निक्की एशिया पुरस्कार 2018? तो निक्की एशिया पुरस्कार 2018 के विजेता कौन है, ये आपसे पूछा गया है और इसका आंसर शायद आप लोग जानते होंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, बिंदेश्वर पाठक। ये सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक भी हैं, ठीक है। तो बिंदेश्वर पाठक इज राइट आंसर, आप जो यहाँ पे देख पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 आपके सामने, Who will be given the 2018 Red Ink Award for Lifetime Achievement in Journalism? तो पत्रकारिता में आजीवन उपलब्धि के लिए 2018 का रेड इंक पुरस्कार किसे दिया जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। हमारे सामने पांच ऑप्शन है और सही आंसर क्या होने वाला है राइट आंसर के लिए, बस आपका आंसर तुरंत यहां पे आ रहा है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर मार्क टुली, ऑप्शन नंबर 2 मार्क टुली। मार्क टुली इज राइट आंसर, जो आप यहां पे देख पा रहे हैं, मार्क टुली इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो आपके सामने यहां पर है। देखिए, Who has been given the Shri Jayadev Rashtriya Yuva Pratibha Puraskar 2018? तो Shri Jayadev Rashtriya Yuva Pratibha Puraskar किसे दिया गया, ये आपसे पूछा गया है। हमारे सामने पांच ऑप्शन है, सही आंसर क्या होने वाला है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 5। तो इनका नाम क्या है, इनका नाम है आनंदिता अनाम। आनंदिता अनाम इज राइट आंसर, जो आप यहां पर देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर 5 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, एंड लास्ट क्वेश्चन, विच फिल्म वॉन द पाम डी ओर एट द 2018 कांस फिल्म फेस्टिवल? तो कान फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म ने पाम डी ओर पुरस्कार जीता? कान मूवी भी एग्जाम में आती है, कान जो मतलब अवार्ड्स होते हैं, क्या होगा इसका आंसर, ये आपको बताना है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी आज का। एंड द लास्ट क्वेश्चन का आंसर जो हमारा है वो क्या है, शॉपलिफ्टर्स। शॉपलिफ्टर्स इज राइट आंसर, जो आपने देख लिया। तो 60 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, कितने आंसर आप कर पाए ये देखिएगा। कल जिन बच्चों का कैनरा बैंक का एग्जाम है, एकदम मन लगा के एग्जाम दीजिएगा। यकीन करिए आपको थोड़ा डर लग रहा होगा, लेकिन आप जब जाएंगे अपना पेपर करेंगे, आप अच्छा करके आएंगे, आप रॉक स्टार्स हैं। प्रेशर लेके मत जाइएगा, एक मेरी सलाह, ये मैं अपने साइड से सारे बच्चों को देता हूँ, एग्जाम में जाना तो छुपा के एक चॉकलेट लेके जाना, ठीक है, और जब क्वेश्चन करना तो थोड़ा सा अपने मुंह में डाले रहना, अच्छा फील करोगे। मैं कर चुका हूँ, मुझे बड़ा फ़ायदा मिला, ये एक बड़े भाई का सजेशन आपके लिए, करिएगा अच्छा लगेगा आपको, ठीक है, आपका माइंड ठीक डायरेक्शन में काम करेगा। याद है ना, जब एग्ज़ाम होते थे तो हमारी माता जी लोग हमें सुबह सुबह दही खिलाती थी चीनी डाल के, तो वो मिठास जो है ना वो थोड़ा सा माइंड को हमारे सुकून देती है, ये एक साइंटिफिक रीजन भी है। करिएगा अच्छे से, एग्जाम दीजिएगा जम के एकदम, डरिएगा नहीं, परेशान मत होइएगा, मे भी आपको क्वेश्चंस ना है लेकिन सही करिएगा। पीओ का पेपर है तो आपको यहां पे एक्यूरेसी दिखानी है, ना कि कितना अटेम्प्ट कर दो। जय माता दी, जय हनुमान जी, बजरंग बली, सबसे दूर रहना, कोई ये सब मत करना कि ये बस यही होने वाला है, जितना आए उतना करिएगा, उतना ही अच्छा होगा। और क्या सजेशन दूं, सब बढ़िया है, आप लोग जानते ही हैं, हमने कोशिश की है थोड़ा सा कि आपके एग्जाम ठीक हो जाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं गाइस, कल तो नहीं मिलेंगे, कल तो छुट्टी है, तो सब लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, और जिन बच्चों का एग्ज़ाम ना हो तो वो शनिवार रात और रविवार को रिवीजन के लिए रखिए, रिवीजन करिए। आप लोग का सपोर्ट हमें बड़ा अच्छा लगता है और हम कोशिश करते हैं कि हम भी आपके लिए कुछ कर पाएँ। बस याद रखिएगा कि बहाने बहुत हैं हमारे पास, ये नहीं हो पाया, वो नहीं पाया, लेकिन फाइनली एट लास्ट हम ही को सिलेक्शन लेना है, तो थोड़ा सा समझिए इस बात को, आप ही हैं जो आप कर सकते हैं, आप रॉकस्टार्स हैं और आप इस दुनिया में आए हैं जीतने के लिए, हारने के लिए नहीं। आई कैन, आई विल, आई मस्ट, आई एम वॉट आई एम, याद है ना, भूलना नहीं कभी, और कभी गिव अप तो करना ही नहीं है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग, आपने आप यहाँ पे आए और यहाँ पर आकर आपने मचाया, बढ़िया, थैंक यू गाइस। मिलते हैं आपसे मंडे को, और मंडे को 7:30 पे करंट अफेयर्स लेना मत भूलना, बिकॉज वहाँ पे MCQs होंगे और नए नए क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। थैंक यू गाइस, सबको गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा और बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए।